सबसे बड़ी खबर बताते चले। दरअसल चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। प्रहलाद जोशी ने बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को सख्त और सख्त चेतावनी दे डाली है। चुनाव के बाद फिर से पार्टी ज्वाइन करने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, जो बागी तेवर इख्तियार करते हैं वो सोचते हैं पार्टी ने अगर उनको तवज्जो नहीं दी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो उस पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लेंगे और वहां से उनको टिकट मिल भी जाएगा। तमाम ऐसे नाम है जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन प्रहलाद जोशी ने अब बागियों को सख्त चेतावनी दे दी है। प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। जो पार्टी से बाहर होके भी चुनाव लड़ रहा है, एक तो प्रत इधर तो चलते आया है कि बागी लड़ना, बाद में 3-4 महीने में फिर से पार्टी में शामिल होना, ये तो मेरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी मेरा चर्चा हुआ है। इसके बाद ये प्रथम बंद करने वाले जा रहा है, जो बागी लड़ रहे हैं मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ, रिटायर होके अनाउंसमेंट करके पार्टी में शामिल हो जाइए, नहीं तो इसके बाद आपको पार्टी का द्वार पूरा बंद हो जाएगा। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत के सुर अब तेज हो चुके हैं। दरअसल पूर्व विधायक कृष्णा राम नाई फिर से बीजेपी छोड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति शर्मा को समर्थन भी दिया है, गलत प्रत्याशी के चयन होने पर पार्टी छोड़ने की बात कही है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देंगे और अब बीजेपी से छुटकारा भी पाने की कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सिरोही से बड़ी खबर बताते चलें कि बीजेपी के 3 नेता निष्कासित हो चुके हैं, जिसमें हेमंत पुरोहित हैं, सुरेश सगरवंशी हैं, अशोक पुरोहित निष्कासित किए गए हैं। पार्टी ने 6 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया है। पार्टी का विरोध करने के कारण इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीजेपी का विधानसभा का एक्शन हुआ है। स्थानीय मुद्दे की मांग करने वाले बीजेपी के कद्दावर हेमंत पुरोहित, सुरेश सगरवंशी और अशोक पुरोहित को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का आरोप है कि पार्टी का विरोध करने के कारण इनको निष्कासित किया गया है। और बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर बागी हुए हैं, जिसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद चुनावी सभा में भावुक हुए और जन सैलाब का समर्थन देखकर रो भी पड़े। आपको बता दें कि पुरोहित स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं आम नागरिक की आवाज बनके मैं चुनाव के मैदान में उतरा था। भगवान सानेश्वर जी की और राधे रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मुझे नागरिक चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति का जो आशीर्वाद था और जो चुनाव चिन्ह मेरा नागरिक आया है, मैं आम नागरिक की और स्थानीय नागरिक की ही लड़ाई लड़ रहा था और मेरा चुनाव चिन्ह भी आम नागरिक और स्थानीय नागरिक ही है। मैं स्थानीय की लड़ाई इन मातृशक्ति के सहारे मेरे युवा साथियों के सारे निरंतर निरंतर लड़ता ही रहूंगा। आपके भावुक होने की क्या वजह? जय श्री राम, जय श्री राम। भावुकता तो यू है कि जो सब कह रहे थे कि 50 लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे, आज जो मात्र शक्ति उमड़ी है ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज समय मैं आज गर्व करता हूँ कि मैंने सिरोही की सेवा की है, मैं सिरोही की जनता मुझसे प्यार करती है। आज ये प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरी आगे बढ़ रही। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। दरअसल आशा राम की तबीयत अब खराब हो चुकी है। एम्स अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। हृदय संबंधित बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि जांच में हल्का कार्डियक अरेस्ट होने की पुष्टि हुई है। आशा राम को ICU में भर्ती कराया गया। आशा राम को देर रात एम्स में भर्ती कराया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर,
आसाराम को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट में मामूली कार्डियक अरेस्ट के भी सिम्टम्स मिले हैं। जी बात करें तो आसाराम की जो है तबीयत लगातार नासाज होती हुई और बुधवार को उनकी तबीयत खराब होने के बाद एम्स अस्पताल लाया गया, जहां पर उन्होंने जो एडवांस जांच करवाने से मना कर दिया और साथ ही जो है अस्पताल में भर्ती होने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें वापस जेल डिस्पेंसरी भेज दिया, जहां पर उनका इलाज जारी था और कल देर रात अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ी, फिर अस्पताल लाया गया, जहां पर सूत्रों की माने तो मामूली कार्डियक अरेस्ट आने की भी जो है पुष्टि हुई है। इसके अलावा आसाराम के मल द्वार में कोई इन्फेक्शन होने की बात सामने आई है, हालांकि इसकी एंजियोग्राफी आदि करवाने को लेकर जो है आसाराम ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन आज या कल एंजियोग्राफी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जो हृदय संबंधी कुछ बीमारी आ रही है, जिसमें हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्या आसाराम को पहले से बनी हुई थी और उसके कारण जो है मामूली कार्डियक अरेस्ट आया था। फिलहाल जो है उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और एम्स अस्पताल के सीसीयू में उनका इलाज जारी है। जी लेकिन चंद्रशेखर, आप ये बता रहे हैं कि अभी कुछ और सिम्टम्स, कुछ और उनको इन्फेक्शन की रिपोर्ट सामने आई है, कब तक वो एडमिट रहेंगे, क्या एम्स के बाद भी वहां से रेफर किया जा सकते हैं, सिचुएशन अभी उनकी हालत कैसी है? देखिए, जो अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट को माने तो जो आसाराम की स्थिति फिलहाल स्टेबल बनी हुई, लेकिन जो आगे और उनको जो हार्ट संबंधी समस्या, चूंकि कार्डियक अरेस्ट का मामूली जो है अरेस्ट उनको आया था, हाँ। तो ऐसे में जो है पूरी सतर्कता डॉक्टर बरत रहे हैं और उन्होंने सलाह दी है कि इनकी एंजियोग्राफी कराई जाए ताकि जो है पूरी स्थिति का पता चल सके। फिलहाल उन्हें सीसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी और आगामी जो एडवांस टेस्ट है उनको लेकर आसाराम इस जिद पर अड़े हैं कि वो कोई प्रकार का टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी हुआ तो डॉक्टर जो है आगे की जांच करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। अब बूंदी की 3 विधानसभा सीटों पर भी आपको बताते चलें कि 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक प्रत्याशी बूंदी सीट से हैं। यहां कांग्रेस और भाजपा के साथ 12 प्रत्याशी मैदान में, वहीं सबसे कम 6 प्रत्याशी हिंडोली सीट पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केशव राय पाटन सीट से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बूंदी और केशव राय पाटन में निर्दलीय दोनों दलों के बीच मुसीबत बन रहे हैं, जबकि हिंडोली सीट सबसे अधिक हॉट बनी हुई है। हिंडोली में सीएम गहलोत के करीबी मंत्री अशोक चांदना भाजपा के पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को टक्कर दे रहे हैं। यहां पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों पर आधारित है। आपको ये भी बता दें कि हिंडोली विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि अशोक गहलोत के करीबी और जोधपुर के पूर्व निर्वाचित महापौर रामेश्वर दाधीच के कांग्रेस छोड़ भाजपा के सदस्यता ग्रहण करने के बाद देर रात जयपुर से जोधपुर आए, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रामेश्वर दाधीच ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था, जिसे उन्होंने बीते दिन वापस भी ले लिया था। उसके बाद विशेष विमान से जयपुर गए और वहां भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।